आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में हर मिनट पर मिल रहे 3 कोरोना संक्रमित। झारखंड में हर मिनट 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर झारखंड में 4,482 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। पूरे झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 26,019 हो गई है। सबसे अधिक मामले झारखंड की राजधानी रांची से हैं। अगली बड़ी खबर है, झारखंड के कई इलाकों में आज भी होगी झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को भी झारखंड के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, इस दौरान वज्रपात के भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी कहा है कि इस दौरान बारिश के अलावा ओलावृष्टि की भी भरपूर संभावना है। झारखंड के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती हैं। पलामू से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ फंदे से लटकता मिला नावा बाजार के दारोगा का शव। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है, यहाँ के नावा बाजार थाना के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव का शव मंगलवार को थाना परिसर में उनके आवास में फांसी के फंदे से झूलता पाया गया। इस घटना की खबर लगते ही इलाके में लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और NH-98 को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि निलंबित थानेदार लालजी यादव सुबह सवेरे उठ जाया करते थे, लेकिन मंगलवार की सुबह जब देर तक वे अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकले तो साथी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। उन्हें क्वार्टर में फंदे पर लटकता पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस के कई वरीय अधिकारी नावा बाजार पहुंच गए हैं। मामले में छानबीन की जा रही है। अगली बड़ी खबर है, मोराबादी मैदान में परेड नहीं देख सकेंगे बच्चे और बुजुर्ग। रांची के मोराबादी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार फिर से बुजुर्गों और बच्चों को एंट्री की अनुमति नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। परेड और झांकियों के प्रदर्शन को लेकर कई गाइडलाइंस और निर्देश दिया गया है। कोरोना के कारण पिछले वर्ष भी झारखंड की राजधानी मोराबादी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल कॉलेज के छात्र भी शामिल नहीं हो सके थे। इतना ही नहीं, NCC बॉयज, NCC गर्ल्स, स्काउट गाइड की टुकड़ी को भी परेड में बाहर कर दिया गया था। अगली बेहद बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, यहाँ फांसी के फंदे पर झूले प्रेमी युगल। झारखंड के गुमला में एक प्रेमी जोड़े के खुदकुशी कर लेने से हड़कंप मच गया है। घटना बिशुनपुर थाना क्षेत्र के ओरिया की है। यहाँ के जंगल में ओरिया गांव निवासी प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच स्कूल के दौरान से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के घर वालों को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था, वो इससे नाराज चल रहे थे। इस बात को लेकर लड़के की माँ लड़की के घर जा कर अक्सर लड़ाई झगड़ा करती थी। इससे नाराज होकर बीते 2 जनवरी को यह प्रेमी जोड़ा अपने घर से निकल गए थे। इसके बाद घर से 8 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर प्रेमी जोड़े ने एक साथ फंदे से झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के 78वें जन्म दिवस के मौके पर पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनके दीर्घायु जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बाबा दिशोम गुरु जी को जन्मदिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। वर्षों का आपका अथक संघर्ष और बलिदान, आपका आशीर्वाद हमें झारखंड रूपी वृक्ष की जड़ों को सशक्त करने की प्रेरणा देता रहे। सभी लोगों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। टली मंगलवार को होने वाली 6ठी JPSC की सुनवाई। मंगलवार को होने वाली 6ठी JPSC के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई टल गई है।
झारखंड हाई कोर्ट ने केवल बेहद महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का आदेश दिया है। ऐसे में झारखंड लोक सेवा आयोग मामले की सुनवाई भी टाल दी गई है। मामले में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अगली तारीख 17 जनवरी के बाद मिलने की संभावना है। तब तक कोर्ट में केवल महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। दायर याचिका में छठी जेपीएससी मानदंडों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि पहले जो मानदंड परीक्षा में नहीं शामिल थे उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर है, विधायक सरयू राय ने लिखा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपके नेतृत्व में झारखंड सरकार बने 2 साल हो गए। इस दौरान मैंने भ्रष्टाचार के कतिपय गंभीर मुद्दों के बारे में ठोस प्रमाण देकर आपको अवगत कराया है। शुरुआत में आपने इनका जी संज्ञान लिया। मेनहट घोटाला के नाम से कुख्यात रांची शहर के सीवरेज ड्रेनेज योजना में हुए भ्रष्टाचार को जांच करने का आदेश आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया। कंबल घोटाला की जांच का आदेश हुआ मोमेंटम झारखंड के नाम पर हुए सरकारी संपत्ति की लूट की जांच कराने की बात आगे बढ़ी। झारनेट 2.0 योजना की बदहाली में पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री की भ्रष्ट भूमिका के प्रमाण मैंने सामने लाया। कौशल विकास एवं योजना के फर्जीवाड़ा का भी मैंने पर्दाफाश किया। झारखंड स्थापना दिवस समारोह 2016 के मौके पर टॉफी टी शर्ट की खरीद एवं सुनिधि चौहान का कार्यक्रम आयोजित करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय की संलिप्तता के कारण लाखों रुपये के सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होने के ठोस प्रमाण पत्र मैंने उपलब्ध कराया। अगली बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद दिग्गज गायिका लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भर्ती। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बाद मंगलवार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। खबरों को माने तो भारत कोकिला कहे जाने वाली 92 वर्षीय लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की आईसीयू में इलाज चल रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो गायिका को अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उम्र को देखते हुए डॉक्टर स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। मंगेशकर को इससे पहले नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उस समय मंगेशकर की छोटी बहन उषा ने कहा था कि गायिका को वायरल संक्रमण है। लता मंगेशकर ने पिछले साल सितंबर में अपना जन्मदिन मनाया था। अगली बड़ी खबर है, ट्रेन टिकट लेने के लिए काउंटर पर दिखाना होगा वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर टिकट तभी मिलेगा जब वैक्सीन का दोनों डोज वाला सर्टिफिकेट आपके पास होगा। यदि सर्टिफिकेट नहीं है या वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं तो न टिकट मिलेगा और न ट्रेन में एंट्री। इसे लेकर भारतीय रेलवे ने आदेश जारी कर चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे क्षेत्रों और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उपयोग को आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया है। देश में 24 घंटे में 168,000 नए मरीज। देश में 24 घंटे में 168,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 69,798 लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 277 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस तरह सक्रिय मामले यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 97,475 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। केवल 11 दिन पहले का यह आंकड़ा 1 लाख था। अगली बड़ी खबर है, जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि जरूरत पड़ने पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। केंद्र ने राज्यों को कहा कि
कि सीबीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की टाइमिंग निर्धारित नहीं, इसलिए ये जरूरत के हिसाब से तय हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो रात 10 बजे तक सीबीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन रह सकते हैं। केंद्र ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की टाइमिंग को लेकर राज्यों की दुविधा पर कहा कि जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक वैक्सीन लगाई जा सकती है। कई राज्यों की ओर से केंद्र को कहा गया था कि इस बात को लेकर इम्प्रेशन है कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सीबीसी का टाइम है, इसके जी हां, जिसके बाद केंद्र ने यह चिट्ठी लिखी है। अगली बड़ी खबर है, बढ़ाई गई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा। केंद्र ने कॉरपोरेट्स के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर्स अब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 या असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए मार्च 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम दिन की भी घोषणा की है, जिसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने मंगलवार को दी। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कोविड के बढ़ते मामलों के कारण टैक्स पेयर्स को हो रही कठिनाइयों के चलते समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार करेगी कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित। सैन्य व सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अब विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है। सरकार की यह पहल ऐसे समय आई है जब केंद्र नई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति लेकर आ रहा है, जो देश के अंदर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और मित्र देशों को उनके निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय करेगी।